नमस्कार दोस्तों, एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो हर रोज नॉनवेज खा के मैं भी थक गया था, तो मैं आज सुबह सोचा कि आज कुछ वेज करेंगे और मज़ेदार कुछ वेज खाएंगे। तो मैं कहीं से पता किया हूँ कि एक बहुत अच्छा वेज थाली का मुझे एक लोकेशन मिला है। आज मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। सुरुचि बोल के रेस्टोरेंट है, तो वेज थाली यहाँ पर मिलता है, पंजाबी थाली भी मिलता है और नॉर्मल वेज थाली भी मिलता है। तो मैं आज पंजाबी वेज थाली ऑर्डर किया हूँ, एक बार आ जाने दीजिए। वेज थाली कैसा है मैं खुद आज देखूँगा, ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम, और आप लोगों को भी बताऊँगा कि कैसा है। तो चलिए वेट करते हैं वेज थाली के लिए, एक बार वेज थाली आ जाने दीजिए, फिर दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, पंजाबी थाली तो मेरा आ चुका है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो ये थोड़ा सा सलाद है, और यहाँ पर एक दही वड़ा भी है, यहाँ पर गुलाब जामुन है, दाल मखानी, आलू का सब्ज़ी और पीस पुलाव, और साथ में एक पनीर का सब्ज़ी भी है और पापड़ भी है। तो बिना देरी किए मैं सबसे पहला एक फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ दाल के साथ। चलिए, दाल के साथ बहुत बढ़िया लगा। नान जो है बहुत सॉफ्ट है, बटर नान है, इस वजह थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अब ये थाली का कॉस्ट है 280 रुपीज़, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर इसमें रिपीट भी नहीं है। मैं एक बार देखता हूँ कि 280 का थाली एक जन के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अब थोड़ा सा मैं पनीर से ट्राई कर रहा हूँ। पनीर भी बहुत सॉफ्ट है, पनीर में ग्रेवी अच्छा है, आप नान के साथ खाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक बार मैं आलू के साथ ट्राई करता हूँ। आलू में ग्रेवी, थिक ग्रेवी है, मतलब जैसे आप डुबा के खाते हो वैसा नहीं है। आलू के साथ मेरे को नान उतना मज़ा नहीं आया। वैसे आलू ख़राब नहीं है, पर इट इज़ नॉट गोइंग। तो दोबारा एक बार दाल के साथ ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा सलाद भी ले लेता हूँ। अब पीस पुलाव का साथ थोड़ा सा दाल मखानी देख लेता हूँ, सबसे पहले कैसा लग रहा है। राइस ऑब्वियसली बासमती है, एंड चावल का क्वालिटी नो डाउट एक नंबर का है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही थी, आपको अनलिमिटेड नहीं है और आप रिपीट लोगे, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। मुझे तीन सब्जी में से आलू का सब्जी उतना मज़ा नहीं आ रहा। चलिए थोड़ा पनीर का साथ ट्राई कर लेता हूँ। पनीर के साथ भी राइस बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, रोटी को तो मैं खा लिया हूँ, राइस भी आधा खा लिया हूँ। अब एक बार दही वड़ा को एक बार टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। दही वड़ा बहुत बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है वड़ा। दही जो है थोड़ा सा स्वीटिश टाइप का है, खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं है,
और एकदम मुंह में मेल्ट हो जा रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अफसोस की बात यही है कि यहाँ पर रेपिटेशन कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे दही बड़ा अच्छा लगा, मुझे दोबारा मंगाना है, आई हैव टू पे फॉर इट। बहुत बढ़िया दही बड़ा। तो फ्रेंड्स, अब आखिरी में डेजर्ट गुलाब जामुन को टेस्ट करता हूँ और आपको बताऊँ। ये देखिए गुलाब जामुन, और ये देख लीजिए कैसा है। अब मैं इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ। ऑब्वियसली गुलाब जामुन थोड़ा सा मीठा तो होता ही है, और बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, थाली मुझे तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एंड रिपीट नहीं है, ये एक सबसे बड़ा दुख है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप ये थाली कोई एक जन खाता है, स्टमक उसका फुल हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि क्वांटिटी कुछ कम है या आपको एम्प्टी स्टमक रहना पड़ेगा। पर अगर थोड़ा अनलिमिटेड होता तो और अच्छा होता, या तो कम से कम रिपीट में जो इनका जो वेजिटेबल्स है या दाल वगैरह है वो भी मंगा सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।